नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और आई हूं दोबारा कहानी लेकर ऐसे कलाकार की जिसे आपने बड़े पर्दे पर अलग अलग किरदारों में देखा है। जी हां, वो कलाकार है शफी इनामदार, महाराष्ट्र की शान और पृथ्वी थिएटर के शानदार कलाकार। अब जरा सीरियसली काम की बात सुन बॉस, तेरी केस तेरे फेवर में हो गई है। तेरे को कैसे मालूम? है, मेरे सोर्सेस हैं। तेरे घर गया तो पता चला कि तू यहाँ पर है। अब कोई नाटक नहीं करना, जरा भी गड़बड़ की तो तू फिर तकलीफ में आ जाएगा। उन लोगों को भी तो मौका चाहिए तुझे प्रोवोक करने का। वो प्रोवोक करेंगे ना तो मैं उनकी फिर भाड़ में गई नौकरी। तू भी गया भाड़ में, अपने बारे में ही सोचता है। एक और गोला खा ले, जरा शांत हो जा, शांत, समझा? मैं सुनाती हूँ फिल्मी कलाकारों की बातें, किस्से और कहानियाँ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आपको जानकारी मुहैया करवाना हमारा मकसद है। किसी वीडियो पे व्यूज आए या ना आए, पर हमारे खास दर्शक हमेशा प्यार की बौछार करना भूलते नहीं। पर कुछ लोगों से हम नाराज हैं, क्योंकि वीडियो तो पूरा देखते हैं पर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे थोड़ी ना चलता है। शफी इनामदार की जितनी पहचान महाराष्ट्र में है, उतनी ही पूरे भारत में भी है, क्योंकि उनके दमदार किरदारों के कारण उन्हें भारी मात्रा में सफलता मिली। खास रूप से 80 के जमाने में उनकी हर साल 4-5 फिल्में तो रिलीज होती ही थी। क्योंकि उनका रिश्ता पृथ्वी थिएटर से था, इसलिए बड़े बड़े फिल्मकार उन्हें पहचानते थे। यही नहीं, खुद शशि कपूर भी उनके अदाकारी के फैन थे। तो चलिए उनके प्राथमिक जीवन पर चर्चा करते हैं। उससे पहले एक बेहद ही वाहियात बात का पर्दाफाश करना चाहूंगी। दूसरे लोग बिना जानकारी से अफवाह फैलाते हैं कि शफी इनामदार की मृत्यु मैच देखते वक्त हुई, क्योंकि इंडिया की हार वे झेल नहीं पाए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? असल में बात यह है कि मैच के दौरान उनकी तबीयत खराब होने लगी और हार्ट अटैक के कारण वे स्वर्गवासी हो गए। अपमानजनक बातें लिखकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दर्शकों को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। शफी इनामदार का जन्म 23 अक्टूबर 1945 को रत्नागिरी के पंगारी में हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे मराठी मुस्लिम थे। असल में उनका सरनेम देखकर लोग उन्हें हिंदू समझते होंगे, पर महाराष्ट्र के कोंकण भाग में रहने वाले कई सारे मराठी मुस्लिम लोगों का नाम इस तरह से पाया जाता है। प्राथमिक पढ़ाई गांव में हुई, उसके बाद उनका पूरा परिवार मुंबई डोंगरी में स्थायी हो गए। वहीं मैट्रिक तक की पढ़ाई की और केसी कॉलेज से डिग्री भी ली। स्कूली दिनों से ही उन्होंने अभिनय करना शुरू किया था। आपको बता दूं कि फिल्मों में आने से पहले वे सिर्फ थिएटर में सक्रिय थे। ऐसे बहुत कम कलाकार मिलेंगे जिन्होंने फिल्मों के बजाय रंगमंच में अच्छा खासा नाम कमाया था। शफी इनामदार उन्हीं कलाकारों में से एक हैं। कुछ दिन पहले हमने पर्ल पद्मसी पर वीडियो बनाई थी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वे भी शफी इनामदार जैसे रंगमंच में प्रसिद्ध थी। इन दोनों की खास बात ये है कि दोनों का फिल्मी सफर बड़ी देरी से शुरू हुआ, पर जब हुआ तब अच्छे अच्छे कलाकारों को पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, शफी इनामदार की पहली फिल्म साल 1982 में रिलीज हुई थी। विजेता नाम की उस फिल्म को शशि कपूर ने बनाई थी। लंबे अरसे से वे दोनों एक दूसरे को पहचानते थे। जब 1978 में पृथ्वी थिएटर फिर से खोला गया, तब शशि कपूर के साथ शफी इनामदार भी थे। उनकी एक्टिंग से प्रभावित होकर शशि कपूर ने अपनी आगामी फिल्म विजेता में उन्हें कास्ट किया। विजेता फिल्म में कमाल की एक्टिंग करने के बाद उसी फिल्म के डायरेक्टर ने अपनी अगली फिल्म अर्धसत्य में उन्हें दोबारा कास्ट किया। अर्धसत्य के बाद 1984 में उन्हें सही मायने में प्रसिद्धि मिली। दूरदर्शन की सीरियल ये जो है जिंदगी में उन्होंने एक हास्य किरदार निभाया। साथ में परेश रावल की बीवी स्वरूप संपत भी थी। दोनों ने मिलकर इस सीरियल को बड़ा हिट किया। राजेश खन्ना भी शफी इनामदार के खास दोस्त हुआ करते थे। साल 1986 की अमृत फिल्म में दोनों एक साथ दिखाई दिए थे। फिल्म जगत के गलियारों में ये बात भी चर्चित है कि शफी इनामदार का नाम प्रसिद्ध मराठी और हिंदी अभिनेत्री रीमा लागू के साथ लिया जाता है।
हालांकि उन्होंने मराठी अभिनेत्री भक्ति बर्वे से शादी की थी, जिनसे उन्हें कोई संतान नहीं हुई। 80 और 90 के दशक में उन्होंने ढेर सारी फिल्मों में काम किया, पर रंगमंच से वे हमेशा जुड़े रहे। फिल्मों के बजाय रंगमंच में उनका योगदान अधिक माना जाता है, क्योंकि उनके थिएटर ग्रुप से बाकी कलाकारों को भी मौका मिला। फिल्मों की बात करें तो उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया वे सभी हिट हैं। अलग अलग फिल्मों में कॉमेडी से लेकर विलन तक सभी प्रकार के किरदार उन्होंने निभाए। भ्रष्ट व्यक्ति हो या कोई ईमानदार व्यक्ति, हर प्रकार की भूमिका वे जुनून के साथ निभाते थे। शफी इनामदार के इसी अंदाज से लोग प्रभावित थे। अपने जीवन के अंतिम काल में उन्होंने हम दोनों नामक फिल्म डायरेक्ट की थी। अगर शफी इनामदार जिंदा होते तो आज भी बड़े पर्दे पर दिखाई देते, पर अफसोस के साथ मात्र 50वें उम्र में उनका हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।